नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज जैसा कि मैं मौजूद हूं, सतेंद्र जी का तो आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में डंका बजा रखा है। गोरखपुर में उनका स्टूडियो था, लेकिन आज उनका स्टूडियो दिल्ली गणेश नगर में ओपन हुआ है। तो मैं वहीं पे आया हुआ हूं। मेरे साथ साक्षात्कार के लिए खुद हैं सतेंद्र जी, और उनके साथ सिंगर अवनीश बाबू और उनके खास राइटर साई प्रकाश जी। दोस्तों, आपने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर देखे होंगे, लेकिन ये जरा कुछ हटके हैं। इनके गाने 10 मिलियन नहीं, 20 मिलियन नहीं, 50 मिलियन नहीं, 100 मिलियन नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, 500-600 मिलियन तक भी उपा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लाइमलाइट से दूर रहते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं। ये काम में विश्वास करते हैं, ना कि प्रोपोगंडा करके, कोई कंट्रोवर्सी करके, विवाद करके भोजपुरी में बनना चाहते हैं। ये कहते हैं कि काम बोलता है, और सच बात है, काम बोलता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, स्टारों का म्यूजिक बनाते हैं और खुद को कहते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन इन्होंने अपने कंपोजिशन से, अपने म्यूजिक से नए कलाकार को, नए बच्चे को आज स्टार बना दिया है। तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्ते। मुझे जो भी जनता देख रही है, उन सबको प्रणाम करना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि चर्चा न्यूज़ से आज मैं लोगों के सामने लाइव आ रहा हूं। सतेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली में स्टूडियो ओपन करने का कारण क्या है? देखिए, दिल्ली में स्टूडियो ओपन करने का सबसे बड़ा यही कारण है कि लोग, जैसे सिंगर्स का रीच नहीं हो पाता मेरे पास, और यहाँ पर आप जान ही रहे हैं कि फ्रॉड इतना ज़्यादा सिंगरों के साथ हो रहा है कि वो जो चीज़ चाहते हैं, पैसा तो वो भरपूर दे रहे हैं, लेकिन उनको क्वालिटी नहीं मिल रहा है, उनके साथ चीटिंग किया जा रहा है। तो इस चीज़ से करने के लिए, मतलब मैं यहाँ पे स्टूडियो खोला हूँ कि जो मेरे सिंगर्स हैं, एटलीस्ट उनके साथ चीटिंग ना हो कहीं। ये इसलिए, ये बहुत बड़ा मतलब मुद्दा बन गया था कि लोगों के साथ चीटिंग हो रहा था। इस विषय में हम सतेंद्र जी और भी आगे बात करेंगे, लेकिन स्वागत करते हैं, और हमारे साथ में हैं, और आपके भी खास, कहीं ना कहीं इनका भी योगदान आपके नाम को बढ़ाने में है, अवनीश बाबू जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार सर, चर्चा न्यूज देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आज सतेंद्र जी का स्टूडियो दिल्ली में ओपन हुआ है? सबसे पहले तो इनको बधाई देना चाहेंगे, बहुत ही शानदार स्टेप है, देर सही काफी शानदार स्टेप आया, और सबके लिए बेहतरीन काम होगा यहाँ से, और सब लोग लगे। और इसी के साथ साथ कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। म्यूजिक सिंगर या कि उसके पहले आती है लेखनी। हमारे साथ गीतकार हैं साई प्रकाश जी, तो उनसे भी बात करते हैं। आपका भी स्वागत है भैया। नमस्कार सबको, चर्चा न्यूज में जो भी लोग देख रहे हैं, प्रणाम बा। देखिए सतेंद्र जी, जैसा कि आपने अभी मुद्दा उठाया था, सिंगरों के साथ धोखा होता है, किस टाइप का धोखा हो रहा था आपके सिंगरों के साथ? धोखा, देखिए ये धोखा जो हो रहा है वो है ट्रैक्स को लेकर, जो कंपोजिशंस होते हैं गानों को लेकर, उस चीज़ों में धोखा है। अभी हम क्या करते हैं, जो ट्रैक्स अभी यहाँ पे क्या है, मान लीजिए नॉर्मली क्या होता है, लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियोज को हायर करते हैं, लेकिन जब ये विश्वास से सिंगर हायर करता है कि मेरा जो ट्रैक है वो गोपनीय रहेगा जब तक वो रिलीज नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे लोगों ने धंधा बना रखा है। अभी ट्रैक्स, एक सिंगर कितना गरीब होता है, वो ट्रैक बनवाता है इतने मुश्किल से, किस तरह अरेंज करता, पैसा मुझे नहीं पता, वो उसके बाद से ट्रैक महंगा बना, ट्रैक के बाद बेचारा जिस भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जा रहा है वहां गा कर गया, उसके जाने के बाद पता चलता है, उसके जाने के बाद 6 घंटे के बाद कोई और सिंगर उसी गाने को गाकर रिलीज, मतलब उसका गाना रिलीज नहीं हुआ, दूसरे ने गा दिया, रिलीज हो गया, ऐसे ही हो जाता है। आपसे जो सिंगर म्यूजिक बनवाना चाहते हैं, आप गोरखपुर से अपने स्टूडियो से बना के भेजते हैं दूसरे स्टूडियो में, लेकिन होता क्या है, वो सिंगर गाता है, गा के निकलता है, उसके पहले और कोई गवा के उसको रिलीज कर लेता है। लोगों में यही है ना कि हाँ, इनका ट्रैक है, हिट हो जाएगा, तो जल्दी से वही काम करते हैं। अब उसमें क्या होता है, ब्लेम मेरे ऊपर आता है, अब सिंगर सोचता है कि सर आप ही मेरा ट्रैक इधर उधर लीक किए हैं। अब एक बड़ा सवाल सतेंद्र जी, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं आजकल, कोई पटना खोल रहा है, कोई मुंबई खोल रहा है, बहुत से लोगों ने दिल्ली भी खोला है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होते स्टूडियो में, खाली उनका नाम चलता है, एक ब्रांड की फलनवा म्यूजिक डायरेक्टर का स्टूडियो है, तो यहां कैसा होगा, क्या आप सिंगरों से मिलेंगे या ऐसे ही जैसे फ्रेंचाइजी लोग चलाते हैं वैसे चलेगा? देखिए अभी क्या है कि हर जगह भी अवेलेबल रहना, ये भी एकदम ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि हम जब रहें तो जो भी काम हो आप हमसे कॉल पे बात कीजिए, मेरा नंबर हमेशा सबके पास है, व्हाट्सएप है, अगर मैं नहीं भी किसी कारणवश होता हूँ कभी कुछ, क्योंकि यहाँ मैं रहने वाला तो हूँ नहीं, मेरा घर कहीं और है, वहाँ घर परिवार भी देखना होता है, तो यहाँ जब मैं रहूंगा आप आइए मुझसे मिले, मैं आपसे जरूर मिलूंगा। लेकिन ये गारंटी है कि जो धोखा पहले होता था आपके सिंगरों के साथ वो नहीं होगा? नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होना है, सारा काम मेरे देखरेख में होने वाला है, सब कुछ मैं डील करूँ, सब कुछ मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, ऐसा हमसे मतलब अब निश्चिंत हो गए एकदम। क्वालिटी वही मिलेगी जो तू हंस के बोलू ये जान काला काला काजल, गारंटी है कि जो आप गोरखपुर स्टूडियो में बैठ के ट्रैक बना रहे हैं जिस क्वालिटी का, वही क्वालिटी यहां मिलेगा जी। हम तो लंदन में बैठेंगे तब भी वही क्वालिटी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बस बेसिक इश्यू है कि लोगों के साथ, मतलब मेरे सिंगर्स के साथ जो चीटिंग होता है वो बंद होना चाहिए। होता क्या है, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी ब्रांच हर जगह खोल रखी है और रिकॉर्डिस्ट बैठा रखे हैं, खाली जो बड़े स्टार हैं उनके ऊपर
तो ध्यान देते हैं, स्वतः बैठ के उनकी मिक्सिंग कर रहे हैं, उनको गवा रहे हैं, उनका देख रेख कर रहे हैं कि कैसा आउटपुट निकल के आ रहा है, नए कलाकारों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो नए कलाकार हैं, जो 8,000, 10,000, 15,000 कमा के अपने गाड़ी कमाई की लेके स्टूडियो में आते हैं, वो सुरक्षित रहेगी, वही क्वालिटी जो आप अपने हाथों से देते हैं वही मिलेगी। एकदम यही मेरा कोशिश ही रहता है कि देखिए, आज तक पैसे का मुंह देख के काम नहीं किया, चाहे वो एक मजदूर हो जो गाने आया हो, या फिर वो अंबानी हो, या फिर उनके कोई रिलेशन इस टाइप हो, कभी ना मैंने किसी से 1 रुपया ज्यादा लिया है, ना 1 रुपया कम लिया, इसलिए कि जब काम वही देना है तो ये नहीं होना चाहिए अंदर की। हाँ, वो बात अलग होता है कि किसी का ज्यादा ही मतलब खराब होता है स्थिति की, भैया ऐसा है, तो वो मैनेज हो जाता है। लेकिन आप दोनों से मेरा सवाल है, अवनीश जी आपसे भी है और सत्येंद्र जी आपसे भी है, यहाँ 1 मिलियन होते ही भोजपुरी के कथा कथित स्टार केक काटने लगते हैं, आपके 100, 200, 500, 600 मिलियन होने के बाद अपना केक काटते हैं, ना मीडिया में आते हैं, आखिर क्यों, रीजन क्या है, कौन जवाब देगा, आप देंगे? नहीं देखिए, आप दे दीजिए इसका जवाब। सर काटेंगे, जैसे देखिए ना, केक तो हम लोग बहुत काट लिए, केक हम लोग 50 मिलियन में काटे थे, केक हम लोग 100 मिलियन में काटे, अरे यहाँ 1 मिलियन में काटते हैं लोग, हम लोग इतना मिलियन में कितना केक काटे, अब तो काटेंगे तो 600 केक काटना पड़ेगा। और मीडिया से इतना दूरी आपने बना के क्यों रखी है, बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर है मीडिया में आते हैं, साक्षात्कार करते हैं, आप क्यों नहीं करते? टाइम कहाँ है, हम लोग तो यही सोचते हैं इतना काम है कि आदमी वहाँ आके क्या करेगा, मतलब ठीक है हम लोग भी बात कर रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, हर चीज़ है, लेकिन अब वहाँ आके दूसरों को गलत बोलना, अपना ये बढ़ाना, हम ये हैं वो हैं, ये सब काम नहीं है, काम करो ना यार, काम आप करोगे तो लोग अपने आप देखेंगे उसे। अच्छा, मैंने सुना है कि जितना अच्छा आप कंपोज करते हैं म्यूजिक, जितना अच्छा आप म्यूजिक बजाते हैं, ट्रैक बनाते हैं, उतना अच्छा आप गाते भी हैं, क्या सच है या झूठ है? गाते हैं, मिलियन के गाने गाते हैं, गाते हैं। तो कोई भी गाना जो आपके दिल के करीब हो, कोई भी गाना, एक आध दो लाइन सर हो जाए प्लीज, क्योंकि जनता चाहती है। एक ही तो गाना ही है जो मेरे दिल में, वही गा दीजिए फिर, इन्हीं का गाना है, वही गाऊंगा। कि तू हंस के बोला लुए जान, दिलवा में दर्द बढ़ गइल, तू हंस के बोला लुए जान, दिलवा में दर्द बढ़ गइल। बस ऐसे ये गाना इनके मुंह से तो हमने सुन लिया है, म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन सिंगर जो ओरिजिनल है वो ना गाए तो फिर बात नहीं बनती है। यही गाना आप भी गुनगुना दीजिए, या कोई और जो भी आप गाना चाहें। सबसे पहले हर गाने को सबसे पहले यही गाते हैं, डमी यही तैयार करते हैं, तो इनका लोग सुनते हैं फिर बाद में गाते हैं। तू हंसी के बोला लुए जान, दिलवा के दर्द बढ़ी गइल, तू हंसी के बोला लुए जान, दिलवा के दर्द बढ़ी गई। और इन दोनों ने तो देखो गा के सुना दिया, लेकिन भाई ने लिखा है, जरा उनका भी चेहरा मैं चाहूंगा, मेरे कैमरामैन भाई हैं साथी, इन्होंने देखी, अच्छा ये भी गाते हैं, तो यही गाना आप भी दो लाइन सर प्लीज। तू हंसी के बोला लुए जान, दिलवा के दर्द बढ़ी गइल, तू हंसी के बोला लुए जान, दिलवा के दर्द बढ़ी गइल, तोहरा प्यार में पागल, तोहरा प्यार में पागल ई दीवाना हो गइल, तू हंसी के बोला लुए जान, दिलवा के दर्द बढ़ी गइल। क्या बात है, देखिए ऐसे अगर म्यूजिक डायरेक्टर, ऐसे सिंगर, ऐसे गीतकार होंगे तो जरूरी नहीं है कि ढोड़ी आपको दिखाना पड़े, साया चोली करना पड़े। एक बात में बोला जाता, जानते हैं हम लोग गाते नहीं थे पहले, हम डमी बनाते बनाते गाने लग गए। अच्छा, हाँ, जैसे क्या होता है कि हर गाने को खुद ही परफेक्ट गाना पड़ता है, क्योंकि सिंगर को आप खुद नहीं परफेक्ट करके देंगे तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कैसे जो क्या है, कहाँ क्यों कौन सा नोट है। तो पहले तो नहीं गाते थे, एकदम नहीं गाते थे, किसी से गवा देते थे गा दो, अब जैसे गाते 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 गाना गाने लग गए, ऐसे ही हो गया। सत्येंद्र जी, एक भोजपुरी में देखिए, आप भोजपुरी के सदस्य हैं कि स्तंभ है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक से बढ़ के गाने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा, अश्लीलता के बारे में आपकी क्या राय है, जो अश्लीलता भोजपुरी में कुछ गानों के माध्यम से परोसी जाती है? देखिए अश्लीलता तो चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें, देखिए दुनिया में बुरी चीज़ भी है, दुनिया में अच्छी चीज़ भी है, आप बुरी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। तो लेकिन मैटर यहाँ आता है ना, अश्लील गाना है वो मैं नहीं बोलता हूँ कि वो गलत है, लेकिन उसको पब्लिक प्लेस पर बजाना वो गलत है, आप उसको सार्वजनिक जगह पर बजा रहे हैं वो गलत है, आपको सुनना आप अपने अपने एयरफोन में सुनिए, अपने अपने तक ही सीमित रखिए, क्योंकि देखिए
अश्लील गाना ही नहीं, अश्लील वीडियो, बहुत सारी चीजें होती है वो अश्लील है। आजकल मार्केट में उसमें मतलब समझे बिलियंस बिलियंस कमाई हो रहा है, सबको पता है, सबको ही देखता है, लेकिन उस चीज को आप अगर पब्लिक में लाएंगे, अपने माँ बहन सबके सामने अपने परिवार में सुनाएंगे तो वो गलत है ना, वहां मत करिए उसको, अब कोई रोक नहीं सकता। इसका जिम्मेदार जनता है, यानी कि सही बात है, जनता ही दुकान बजाती है। देखिए दुकानदार का सिंपल सही होता है कि लोग वो कहता है आप क्यों बेच रहे हैं जहर, वो बोलता है भाई जहर लोग खा रहे हैं तो बेच रहे हैं, दारू क्यों बेचते हैं तो पी रहे हैं लोग तो बेच रहे हैं, जिस दिन पीना बंद कर देंगे तो आप बेचना बंद कर देंगे, क्या कहेंगे लोग? जब तक ग्राहक है तब तक तो माल बेचा ही जाएगा, अच्छा भी माल हो गलत भी माल, तो कहीं ना कहीं जनता जिम्मेदार है। हाँ, जनता कंज्यूम करने वाला जिम्मेदार है, अगर वो उपभोक्ता अगर उसका पान कर रहा है, सेवन कर रहा है, तो वो चीज आप नहीं रोक पाएंगे। सत्येंद्र जी, बात करने का तो बहुत मूड है काफी, लेकिन बहुत सारे आज आपके गेस्ट आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, और आप मुखिया है देखा जाए तो आपको उनसे मुलाकात भी करना जरूरी है। आप जो आज चर्चा के दर्शक देख रहे हैं, जो आपको नाम से तो जानते हैं, आपके काम से तो जानते हैं, चेहरे से बहुत कम लोग जानते हैं, आज चेहरा आपका रिवील हो रहा है, लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट और निवेदन करना चाहेंगे? रिक्वेस्ट निवेदन यही है कि आप लोग जितना हो सके सपोर्ट अगर करेंगे अच्छी चीज़ों को तो ही अच्छा चीज़ हो पाए, क्योंकि हमारा भोजपुरी आप सब जान रहे हैं कि इंडिया या वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड कर रहा है जी, क्योंकि लोग ये सपना था कि एक भोजपुरी गाना 500 मिलियन क्रॉस करे, अब वो धीरे धीरे 1 बिलियन जा रहा है, तो ये आप लोगों के से ही हो पाएगा कि आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे। अब आप अगर गंदी चीजों को करने लगेंगे तो हम लोगों का मनोबल टूटेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोगों क्या है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, व्यूज आ रहा है तो ही तो हम काम कर रहे हैं, जब वो चीज खत्म हो जाएगा तो हमारा डिमांड खत्म, जब अच्छे लोग ही चले जाएंगे तो फिर वही राक्षस सब पैदा हो जाएंगे। जी एकदम सही बोला, और मैं जो इन्हों ये नहीं बोल पाया बोलना चाहूंगा कि गोरखपुर में आप लोगों ने जितना इनको प्यार दिया है उसी आत्मविश्वास और आप लोगों के लिए, खासतौर पर जिन सिंगरों के साथ धोखा होता था, आप कहते थे सत्येंद्र भैया हम गोरखपुर नहीं आ सकते आपके स्टूडियो में, ट्रैक बना के फलनवा स्टूडियो में भेज दीजिए, होता क्या था वहां पे, ट्रैक तो भेजते थे आप जाके रिकॉर्डिंग भी करते थे, लेकिन आपके जाने के बाद होता क्या था, वहां पे कोई सिंगर बैठा होता था उसको अच्छा लगता था तो वो गा देता था फिर से, और वो स्टूडियो वाला आपके साथ धोखा करता था, आपको क्या लगता था भैया ने आपको चुना लगा दिया, तो ऐसा नहीं है, अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। दिल्ली गणेश नगर में सत्येंद्र जी का एक स्टूडियो खुला हुआ है, अगर आप इनसे काम करवाना चाहते हैं, गोरखपुर नहीं पहुंच सकते तो अब आप यहां पे आके काम करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों को, आपने टाइम दिया, तहे दिल से शुक्रिया, पूरी चर्चा की टीम की तरफ से आपका स्टूडियो भैया खूब आगे बढ़े, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।